हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है, वैसे हर एक स्टूडेंट के दिमाग में टेस्ट सीरीज का ख्याल मजबूत होता जा रहा है। आपको पता होगा, पीसीपी ने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसका फर्स्ट टेस्ट 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आज हम इस वीडियो में उस टेस्ट सीरीज के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 87 डेज का टारगेट हमने बनाया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इतने दिन बाद में नीट का एग्जाम हो सकता है। तो ये जो 9,450 क्वेश्चंस हैं, इन 67 टेस्ट के अंदर किस पैटर्न में डिलीवर होंगे, इसका हम एक बार शेड्यूल को बैकग्राउंड में रखते हुए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 अप्रैल से हमारी टेस्ट स्टार्ट हो रही है, और उसके अंदर पहले 3 टेस्ट के अंदर, जैसे जिसे आप DTS डेली टेस्ट सीरीज के नाम से जान सकते हो, DTS 1, 2, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो DTS है, वो हमने हर दिन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसका सिलेबस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हर DTS जो होगा वो एक स्मॉल टेस्ट होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस हमने कंसिडर किए हैं फिजिक्स में, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, और 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के अंदर। जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट है वो 1 आवर 20 मिनट्स का होगा, इंक्लूडिंग होम वर्क फिलिंग। केमिस्ट्री का जो है वो 1 आवर 10 मिनट का, और बायोलॉजी का जो टेस्ट होगा वो 1 आवर का। तो इस तरह से अगर हम इसको कंबाइंडली देखें तो आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चंस जो है वो डिलीवर होते हैं। ये जो 3 टेस्ट हुए हैं, इन तीनों टेस्ट के सिलेबस का एक माइक्रो टेस्ट 7 अप्रैल को यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइक्रो फर्स्ट का जो सिलेबस है वो DTS 1, 2, 3 तीनों का मिलाकर जो सिलेबस है वो रहेगा। अब 5 अप्रैल को DTS 3 हो रहा है और 7 अप्रैल को माइक्रो फर्स्ट हो रहा है, उसके बीच में हमें एक गैप मिल रहा है। तो जितने सिलेबस का माइक्रो 1 होगा, उसी सेम सिलेबस का हमने एक सेल्फ स्कोर टेस्ट डिजाइन किया है। इस टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्फ स्कोर टेस्ट और माइक्रो टेस्ट, जो कि आप 3 आवर्स के टेस्ट यहाँ पे मान सकते हो, उसमें हमने 200 क्वेश्चंस रखे हैं। ये इस बेसिस पर रखे गए हैं क्योंकि JEE का शेड्यूल जो है वो NTA ने जारी कर दिया है, और JEE के शेड्यूल में, JEE के पैटर्न में NTA ने इस बार कोई भी चेंज नहीं किया है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लास्ट ईयर का पैटर्न है वही इस बार का पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर बच्चे को 3 आवर्स में 200 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर मान लीजिए पैटर्न चेंज भी होता है, तो इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन होने नहीं है, कमी होंगे 180। अगर आप बच्चा 3 आवर्स में 200 क्वेश्चन करता है, तो डेफिनेटली 3 आवर्स में 180 क्वेश्चन तो आराम से कर पाएगा, यानी जो तैयारी है वो स्ट्रिंजेंट कंडीशन में होगी तो अच्छी तैयारी कर पाएगा। माइक्रो 1 के बाद में हर एक टेस्ट में एक नई खूबी जुड़ रही है। DTS 4, 5, 6 के अंदर नए टॉपिक्स आ जाएंगे, और उन तीनों टॉपिक का जो माइक्रो सेकंड है वो 12 अप्रैल को होगा। उससे पहले एक सेल्फ स्कोरर 2 होगा। अब सेल्फ स्कोरर 1 और सेल्फ स्कोरर 2 के अंदर आप डिफरेंस समझिए। सेल्फ स्कोरर 1 के अंदर तो ये 3 यूनिट आई थी, लेकिन सेल्फ स्कोरर 2 के अंदर 1 से लेकर 6 यूनिट आ रही हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, सेल्फ स्कोरर का सिलेबस ये है, DTS 1, 2, DTS 6, यानी ये सेल्फ स्कोरर अब थोड़ा सा मेजर बन गया है। लेकिन माइक्रो के अंदर हमने सिलेबस जो है वो 4 to 6 ही रखा है, यानी 4, 5, 6 ये 3 यूनिट आ रही हैं। हर माइक्रो हर 3 दिन का यहाँ पर समरी है, और हर सेल्फ स्कोरर पीछे वाले टेस्ट का भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रख रहा है। तो अगर सेल्फ स्कोरर टेस्ट को हम अच्छे से देते हैं, तो धीरे धीरे हमें उस सेल्फ स्कोरर टेस्ट को वो मेजर में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में माइक्रो थर्ड है, माइक्रो थर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, 17 अप्रैल को माइक्रो थर्ड है, और उस माइक्रो थर्ड के बाद में, तो माइक्रो थर्ड तक हमने 9 यूनिट्स कवर कर ली हैं, और 18 को एक बायो बूस्टर रखते हुए 19 को एक मैग्नीफायर रखा है, और इस मैग्नीफायर के अंदर कंप्लीट अब तक फ्रॉम 1st to 9th सारा का सारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो मैग्नीफायर अपने आप में एक सेमी मेजर टाइप का टेस्ट हो गया, सेमी माइक्रो टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें पीछे का भी सारा कवर हो रहा है। और यही सीक्वेंस जो है वो आगे 3 ऐसे इस तरह से 3 स्टेप के अंदर दोहराई जाएगी। इसी के बीच में आप यहाँ पे एक बायो बूस्टर देख सकते हैं, मैग्नीफायर से पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक बायो बूस्टर टेस्ट है। तो इसमें कंप्लीट बायोलॉजी का जैसे जैसे सिलेबस कवर हो रहा है, वैसे हमने इसके अंदर, जैसे पहला जो बायो बूस्टर है उसमें DTS 1 to 9 ले लिया, जिसके अंदर 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस डिलीवर किए जाएंगे।
इसी तरह से चार बायो बूस्टर होंगे, चार मैग्नीफायर होंगे, 30 इसमें डीटीएस होंगे और 11 माइक्रो और फिर 10 मैक्रो टेस्ट। तो ये एक लंबा चौड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया प्लान है। हमारा ये मानना है कि किसी भी बच्चे ने अगर इस प्लान को 100% फॉलो कर लिया तो उसका सिलेबस जो है वो 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगा, एकदम साइंटिफिक तरीके से रिवाइज होगा और वो मेन एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा कर पाएगा। सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझने के बाद में अभी हम 29 जून तक पहुंचे, एग्जाम की डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। अगर एग्जाम आगे खिसक सकता है तो हम मेजर टेस्ट को आगे लेके जाएंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है। ये टेस्ट सीरीज पिछले नीट में 500 प्लस क्रॉस करने वाले बच्चों के लिए एकदम से फ्री रखी गई है, साथ में जिन बच्चों के 500 से कम मार्क्स हैं उनके लिए एक नॉमिनल चार्ज 1000 रुपीज का चार्ज रखा गया है जिसके अंदर पीसीपी का किट इंक्लूड है। इस टेस्ट सीरीज का एक एडिशनल फीचर ये है कि हम इस टेस्ट सीरीज के साथ में एक डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपनी स्टडी को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हर टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा, आपको उसको और कितनी बार रिवाइज करने की जरूरत है, ये सारी चीजें अगर हम नोट करते हैं तो आगे जाकर हमें उस टॉपिक को रिवाइज करना है कि नहीं करना या फिर आगे जाके रिवीजन का पैटर्न डिसाइड करने में हमें हेल्प मिलती है, जिसको हम डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर के नाम से जानते हैं। तो हमारी आपसे ये अपील है कि आप पीसीपी पीपला रोड कैंपस विजिट करें, इस टेस्ट सीरीज के और कई साइलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में जानें, डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर के बारे में जानें और नीट 2022 में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। थैंक यू वेरी मच।